हाँ जी सत श्री अकाल जी अते तुहाडा सब दा स्वागत करते हाँ तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट पंजाब उते। स्पैनिश वैब सीरीज़ ला कासा दे पाबल मतलब कि मनी हाइस्ट अजकल सोशल मीडिया उपर चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन आप उन वहां से नहीं भागी है ना? जदों दी यह सीरीज़ हिंदी विच डब की गई है उदों तो ही इस सीरीज़ ने नैटफ्लिक्स उपर कई रिकॉर्ड तोड़ के रख दते हैं। तुहानू दस दईए कि इस वैब सीरीज़ के 5 सीज़न आ चुके हैं और 5वें सीज़न का दूजा वॉल्यूम सानू दसंबर महीने की 3 तरीक नू देखण नू मिलेगा। इस सीरीज़ के क्रेज़ नू देखते हुए अज असी इस सीरीज़ के सब तो ज़्यादा पापूलर सोंग बैला चाओ का पंजाबी विच मीनिंग लैके हाजिर होए हैं। ये गीत यूट्यूब फोनों दिया रिंगटोन्स और इंस्टाग्राम उपर लखा ही रीलां बनाने की वरत्या जा रहा। यह गीत पापूलर होने के नाल नाल बड़ा इतिहासक भी है। सो हुण बिना समा बर्बाद किए इस गीत के मीनिंग और इतिहास में जानते हाँ। बैला चाओ इटैलीयन भाषा का शब्द है जिसका मतलब हुंदा है गुड बाय ब्यूटीफुल। चौलां दे खेतां विच गाया जाण वाला यह गीत किवें क्रांति लियाउण वाला गीत बन गया, किवें इस गीत नूं इटली दे लोकां वल्लों हिटलर दी नाजी सरकार दे खिलाफ वरत्या गया अते किवें इस गीत ने इटली विच कोविड दे दौरान लोकां नूं करोना नाल लड़न दा हौसला दिता। आओ इस दे इतिहास उपर इक झात मारदे हाँ। गल आ 19वीं सदी की। 19वीं सदी के अखीरले सालों के दौरान बैला चाओ गीत नूं मोंडीना नाम के ग्रुप दियां औरतां द्वारा चौलों के खेतों में काम करदियां अपने मालक के विरोध च गाया जाता सी। असल विच उत्तरी इटली च चौलों की खेतीबाड़ी बड़ी मशहूर सी। इत्थे काम करन लई गरीब औरतों नूं लियाया जाता सी। उन्हां नूं बड़े भैड़े हालातों काम करना पैंदा सी। पैरां च चप्पलां ना होण दे बावजूद उन्हां दी पिट्ठ ते लगातार कई कई घंटे समान लद्दिया जांदा सी। लगातार झुके रहण दे बावजूद भी उन्हां नूं बड़ी घट तनखाह मिलदी सी, जिस दे विरोध विच इह औरतां बैला चाओ गीत नूं गाउंदियां सन। हालांकि इस गीत दे लिरिसिस अज दे गीत नालों काफ़ी अलग सन। इस गीत विच औरतां कहिंदियां सन कि असीं सवेरे उठदियां हाँ, खेतां विच काम करदियां हाँ अते साडा मालक डंडा लै के खड़ा रहिंदा है। असीं इत्थे कई घंटे काम करदियां हाँ अते अपनी जवानी चौलां दे खेतां विच ही गवा दिंदियां हाँ, पर एक दिन अजिहा भी आवेगा जद असीं फ्री हो के अपने खुद दे खेतां विच काम करांगियां। हौली हौली समा गुजरता गया अते दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस गीत नूं मॉडिफाई कर दिता गया। 1943 तो 1945 तक ये गीत इटली के लोगों वल्लों हिटलर की नाजी सरकार के खिलाफ गाया जाता सी। इस गीत ने नाजी सरकार दियां जड़ां हिला के रख दित्तियां सन। इस तरह हौली हौली ये गीत पूरे वर्ल्ड के विच माड़े कम्मां दे विरोध वेले गाया जाण लगा। ते हुण दोस्तों इस गीत नूं फिर तो ज्यौंदा कीता है इस स्पैनिश वैब सीरीज़ मनी हैस्ट ने, जिस नाल ये गीत मुड़ तो चर्चा च आ गया है। दोस्तों इस शो च भी दिखाया गया है कि प्रोफेसर दे प्यो दादा भी इटैलीयन सन अते ओह सरकार दे विरोध लई इस सोंग की वरतों करते सी। यही वजह कारण प्रोफेसर ने भी इस गीत नूं सरकार दे विरोध लई चुनिया। इस गीत का मतलब है कि एक सवेर मैं उठिया अते मैनू अपने देश विच हमला करन वाले दिखाई दित्ते। मैं उन्हां नाल लड़न जा रहा, मैनू लगता है कि मेरी मौत नेड़े है। गुड बाय ब्यूटीफुल। अते जेकर मैं एक पार्टीसन दे रूप विच मरिया तां मैनू दफना देवी, दफना देवी मैनू पहाड़ां दे उत्ते सोहणे फुल्लां दी छां हेठ, तां कि जिहड़ा इत्थों गुजरे ओह मैनू कहे कि किन्ना सोहणा फुल है। इह पार्टीसन दा फुल है जो आजादी दे लई मर गया। गुड बाय ब्यूटीफुल। दोस्तों कॉपीराइट क्लेम की वजह करके असीं इस गीत का म्यूजिक तुहानू नहीं सुना सकते, पर जेकर तुसीं इस गीत का मीनिंग पंजाबी विच विद म्यूजिक सुनना चाहते हो तां तुसीं डिस्क्रिप्शन च दित्ते इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक उपर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो अते नाल दी नाल सानू इंस्टाग्राम ते फॉलो करना ना भुल्लिओ। दोस्तों कोविड के दौरान जद इटली बड़े बुरे हालातों विचों गुजर रहा सी, तद इटली के लोग इस गीत नूं गाउंदे हुए दिखाई दित्ते। उन्हां दा कहना सी कि यह गीत सानू एक तरह की मजबूती दिंदा है। दोस्तों जेकर तुसी असली प्रोफेसर अते असली मनी हाइस्ट की कहानी जानना चाहते हो तां तुसी इस वीडियो उत्ते 2000 लाइक का टारगेट जरूर पूरा कर देना। 2000 लाइक होने के नाल ही असी असली मनी हाइस्ट की कहानी तुहाडे सामने लैके हाजिर होवांगे। जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लगी तां वीडियो नू लाइक अते फैक्ट पंजाब चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्यो। इस तरह दियां होर वीडियो सब तो पहलां देखण लई चैनल नू सबसक्राइब करन तों बाद नाल वाली घंटी जरूर दबा लेना।